Hello friends, welcome to your favorite YouTube channel Inkat Guru. Hindi GK एवं करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी 4 अप्रैल 2018 एक 2017 के लिए प्रतिष्ठित जेसी डैनियल अवार्ड किसे दिया जाएगा? सत्य ननेकर, बी के जी जॉर्ज, सी श्री कुमारन थाम्पी, डी अडूर गोपाल कृष्णन. Correct answer, C. Shri Kumaran Thampi. Explanation. 2017 के लिए जेसी डैनियल अवार्ड श्री कुमारन थाम्पी को उनके मलयालम फिल्म क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए दिया जाएगा. यह अवार्ड उन्हें केरल फिल्म अवार्ड समारोह में कोलम में दिया जाएगा. यह पुरस्कार मलयालम फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, जिसमें 5 लाख रुपये दिए जाते हैं. तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट 2018 किसने जीता है? पद सर्विस, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी हैदराबाद. करेक्ट आंसर, सी केरल. एक्सप्लेनेशन. 2018 का संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट केरल ने पश्चिम बंगाल को फाइनल में 4-2 हराकर जीत लिया है. यह फाइनल 1 अप्रैल को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में हुआ. यह इस फुटबॉल खेल का 72वां संस्करण था. केरल टीम के कप्तान राहुल राज थे. केरल की टीम ने 2005 से कोई अवार्ड नहीं जीता है. 3. सी वी राजेंद्रन का हाल ही में निधन हो गया. वो किस क्षेत्र से थे? अब फिल्म, बी साहित्य, सी शिक्षा, डी पत्रकारिता. करेक्ट आंसर, अर्थ फिल्म. एक्सप्लेनेशन. तमिल फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सी वी राजेंद्रन का 1 अप्रैल 2018 को 81 साल की उम्र में निधन हो गया. उनकी प्रसिद्ध फिल्में कलट्ठा कल्याणम, शिवजी गणेशन, जयललिता, पूनु ज्योल्थी. 4. 2018 का पुरुष वर्ग का सिंगल मियामी टूर्नामेंट किसने जीता है? अब जॉन स्नेर, बी रोजर फेडरर, सी राफेल नडाल, डी नोवाक जोकोविच. करेक्ट आंसर, अब जॉन स्नेर. एक्सप्लेनेशन. 2018 का सिंगल पुरुष वर्ग का मियामी ओपन टूर्नामेंट 14वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी जॉन स्नेर ने जीता है. उन्होंने चौथी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर जवेरेव को 6-7, 6-4, 6-4 से हराया. इस जीत के बाद स्नेर ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 9वीं रैंक प्राप्त की है. 5. भारत के किस क्रिकेटर को पद्म भूषण मिला है? अब रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी दिनेश कार्तिक. करेक्ट आंसर, सी महेंद्र सिंह धोनी. एक्सप्लेनेशन. महेंद्र सिंह धोनी को 2 अप्रैल को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह पुरस्कार महेंद्र सिंह धोनी को दिया. महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार खिलाड़ी हैं, जिनकी कप्तानी में भारत ने 2007 का T20 कप और 2011 का वर्ल्ड कप जीता. 6. NASSCOM के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? पद देवजानी घोष, बी आर चंद्रशेखर, सी विजय शेखर शर्मा, डी नारायण मूर्ति. करेक्ट आंसर, अद देवजानी घोष. एक्सप्लेनेशन. देवजान घोष NASSCOM की नई अध्यक्ष चुनी गई है. वो इंटेल एशिया की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर रही हैं. वो आर चंद्रशेखर की जगह लेंगी, जो पिछले 5 सालों से इस पद पर कार्यरत थे. NASSCOM नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज भारत की 8 कंपनियों का व्यापारिक समूह है. NASSCOM की स्थापना 1988 में हुई. 7. कोयला इंडिया लिमिटेड ने अगले 10 वर्षों में कितनी ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? अब 15,000 मेगावाट, बी 10,000 मेगावाट, सी 20,000 मेगावाट,
शक्ति 25,000 मेगावाट. करेक्ट आंसर सी 20,000 मेगावाट. एक्सप्लेनेशन, कोयला इंडिया लिमिटेड ने अगले 10 वर्षों में 20 गीगावाट 20,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है. कोयला इंडिया लिमिटेड भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी है. इसका हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है. कोयला इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई. इसके मैनेजिंग डायरेक्टर गोपाल सिंह है. भारत के कोयला उत्पादन में इस कंपनी का 82% शेयर है. 8. कालो सल्वाराडो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? अ कोस्टारिका, बी पेरू, सी हंगरी, डी पनामा. करेक्ट आंसर अ कोस्टारिका. एक्सप्लेनेशन, कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति कालो सल्वाराडो चुने गए हैं. वो सिटीजन एक्शन पार्टी से हैं. उन्हें 62% से अधिक मत प्राप्त हुए. उन्होंने नेशनल रेस्टोरेशन पार्टी के उम्मीदवार फेब्रिसियो अल्वाराडो मुनोज को हराया. उनका वादा समलैंगिक विवाहों को अनुमति देना था. 9. किस राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन हुआ है? अकोला, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु. करेक्ट आंसर अकोला. एक्सप्लेनेशन, गोवा में कोंकण रेलवे मार्ग पर बाली स्टेशन पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन हुआ है. इस पार्क के लिए कोंकण रेलवे और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉनकोर के बीच समझौता हुआ. इस लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण पर 43 करोड़ रुपए की लागत आई है. इससे मुंबई में ट्रकों की संख्या घटने की उम्मीद है और इससे पर्यावरण प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी. 10. किस देश ने सरमत मिसाइल का परीक्षण किया है? अ रूस, बी उत्तर कोरिया, सी भारत, डी पाकिस्तान. करेक्ट आंसर अ रूस. एक्सप्लेनेशन, रूस ने हाल ही में सरमत मिसाइल का परीक्षण किया है. सरमत मिसाइल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है. सरमत रूस की पूर्व मिसाइल वोयवोडा का स्थान लेगी जो सोवियत युग की मिसाइल है. वोयवोडा विश्व की सबसे भारी ISBM मिसाइल है. इसका वजन 200 मीट्रिक टन और मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर है. यह 100 टन वजनी सामान ले जाने में सक्षम है और 10 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है. इसे नाटो देशों ने शैतान ऋण 2 नाम दिया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल इनकर्ट गुरु.